is the part 2 video of the chapter arithmetic progression. Okay, in this particular video we will cover the 5.2 exercise and I'll tell you some important questions also. So dekho yaar, aapka jo formula tha main yahan pe likh deti hu, an is equals to a plus n minus 1 d. ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपके इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है. ओके, इसमें कुछ अलग नहीं है. तो यार इसमें देखो किस टाइप के पहले बात तो क्वेश्चन आ सकते हैं. आपके क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपको जैसे बता देती हूँ मैं, टेंथ जैसे कोई भी एपी गिवन है आपको और आपको उसका टेंथ टर्म फिफ्टीन टर्म फाइंड करना है, या फिर आपका हो सकता है कि आपकी कोई गिवन टर्म होगी और ऐसे पूछी जाएगी चेक वेदर द गिवन टर्म इज ऑफ दिस एपी और नॉट. ठीक है, या फिर आपका लास्ट से कोई टर्म पूछी जा सकती है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस एपी. देखिए सीरीज गिवन है आपको 1, 4, 7, 10 डॉट 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 88 या कुछ भी है. ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से बताती हूँ. ठीक है, आपकी बुक में इसमें 12th टर्म पूछी है फ्रॉम लास्ट. ठीक है, हम फ्रॉम लास्ट भी करेंगे और 12th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी करेंगे. ठीक है, ओके ओके. देखो आप ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप देखोगे तो आपके बाकी क्वेश्चन भी इजीली आप कर पाओगे. मैंने कहा रहा था कि अगर आपको अच्छा आपको अगर कोई भी सीरीज ये बना, देखो सबसे पहले आप ये ट्राई करना कि जो टर्म्स है ए एन या डी, ठीक है, जो भी गिवन आपको टर्म्स मिल रही है सबसे पहले उसको लिख दो. ओके, तो यार इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या पता लग रहा है. व्हाट इज गिवन हियर, ए इज गिवन विच इज 1. ओके, डी कैन यू फाइंड डी, यस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 4 - 1 विच इज 3. यू हैव ए, यू हैव डी. ओके, अब आपको 12th टर्म मीन्स क्या फाइंड करना है, ए 12, मैंने ये तो बताया था, 6th टर्म मीन्स ए 6, 12th टर्म फर्स्ट टर्म फाइंडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. थे ये अपन बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं. मतलब यहां से आपको 12th टर्म फाइंड करना है स्टार्टिंग से. ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये 12th टर्म मीन्स ए 12 आ गया. फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, एन तो 12 आ ही गया, 12 - 1 एन डी. तो यार हमारे पास देखो ए है 1 है, ठीक है, और डी है 3, पुट कर देते इसमें. ए इज 1 प्लस 12 - 1 इज 11 और डी के हमारे पास 3, कितना हो गया 1 + 33 and 30. दिस इज द 12th टर्म फ्रॉम दिस सेट, फ्रॉम बिगिनिंग, लास्ट से नहीं निकाली मैंने. ठीक है, ये 12th टर्म आपकी फ्रंट से है. अब आपसे पूछे कि 12th टर्म फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट, विच इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये लास्ट से फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए 12 इज इक्वल टू लास्ट से फाइंड करना है तो एल माइनस, अब लास्ट से फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए 12th टर्म, 12th टर्म को फाइंड करनी है लास्ट से, तो लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 एंड डी. माइनस क्यों, क्योंकि हम लास्ट से इस तरफ आ रहे तो हम उल्टा लेंगे तो माइनस लेंगे. अब लास्ट टाइम व्हाट वी हैव बीन गिवन 88 माइनस 12 है तो एन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना था, 4 - 1, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 3. ठीक है, तो यार देखो 88 माइनस 11 इंटू 3, 88 माइनस 33 यू विल गेट एज 55. तो यार अब दोनों इनमें डिफरेंस समझो. ठीक है, ये आपका है 12th टर्म ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, एक्चुअली 12th टर्म आपसे पूछा जाए तो ये बिगिनिंग ऐसे नहीं लिखेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली यू हैव टू फाइंड द 12th टर्म. तो इसका a प्लस एन माइनस 12th टर्म था, यहाँ पे n की जगह 12 है तो वी हैव केप्ट 12 हियर, सॉल्व आंसर आ जाएगा. अब आपको 12th टर्म लास्ट से पूछा गया, मतलब लास्ट से, तो दिस विल बी द a मीन्स लास्ट टर्म जो होगी वो आएगी a की जगह, माइनस यहाँ पे प्लस आया था और यहाँ पे आएगा माइनस, एन माइनस 1 डी, एन अगेन 12 है, हमको लास्ट से फाइंड करना है तो 12 - 1 और डी कॉमन डिफरेंस 3 है ये आपका. अब देखो इधर से हो चाहे इधर से हो कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओनली. ओके, यहां से हमने फाइंड कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा.
नाउ लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन 5.2। ठीक है, तो देखो इसमें एक कैटेगरी क्वेश्चंस की है जिसमें आपको सीरीज गिवन होंगी, ठीक है, एंड यू विल बी आस्क्ड कि इस सीरीज के 10th टर्म बताइए। ओके, तो यार मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज आपको बताई है, मैं वापस से बता देती हूँ। 10th टर्म यू हैव टू फाइंड मीन्स ए 10 यू हैव टू फाइंड, एंड यू नो व्हाट इज ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी। सो इफ यू यूज ए 10 तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 डी, क्योंकि ए 10 गिवन है, हमने एन की जगह 10 पुट किया तो एन की जगह 10 हो गया। ठीक है, अब यार इस ना पूरी सीरीज में देखो ए क्या है, दिस इज ए, व्हाट इज डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 7 माइनस 2 विच इज 5, पुट कर दो इसमें, और क्या है 2 प्लस 9 इंटू 5 2 प्लस 45, 47। इसका मतलब 10th टर्म जो होगी सीरीज की, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो 10th टर्म आएगी वो कितनी होगी, 47 होगी। ठीक है, तो ये तो आपका वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपको बोला जाएगा सीरीज गिवन है और ऐसे बोला है कि विच टर्म इज 81 माइनस 81। ठीक है, तो आपको वो n जो फाइंड करना है आपको कि भाई कौन सी टर्म है जो 81 होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइंड किया कि 10th टर्म है वो क्या होगी, अब आपको ये गिवन है और पूछा है कि कौन सी टर्म जो n होगा आपका n, ठीक है, वो माइनस का 81 होगा। देखो इसमें a क्या है आपका 21, d क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 18 19 20 21 माइनस 3 बिकॉज 18 माइनस 21 किया है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज आपको गिवन a n, एंड आपको n फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, देखो जो गिवन है बस पुट कर दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन आपको गिवन है माइनस 81 इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस एन, हमको फाइंड करना है कि विच टर्म इज दिस। ठीक है, तो एन है नहीं, एन माइनस वन, डी आपका है माइनस का 3, नो प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर देते हैं, एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, माइनस 81 माइनस 21 इक्वल टू n minus 1 and minus 3, this is 210 minus divided by minus 3, क्योंकि ये जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा is equals to n, और ये माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से। 102 by 3, ये माइनस से माइनस का तो कैंसिल हो गया, 3 3 9 and 3 4 12 plus 1 is equals to n 35, n कितना है आपका 35, मतलब ये जो माइनस 81 गिवन है ये आपकी 35th टर्म है। ठीक है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके जाओगे, जब 35th जो टर्म आएगी वो आपकी क्या आएगी, माइनस का 81। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो आराम से। देखो अब आपके जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, इतनी देर तो आपके सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सीरीज गिवन है, ठीक है, इस सीरीज का, इस सीरीज में माइनस 150 कभी आता है कि नहीं। इस क्वेश्चन का देखो सीधा सा अगर आप मतलब समझना चाहो तो ये है कि ये सीरीज आगे तक चलती जा रही है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं माइनस 150 आएगा, जिस हिसाब से ये रिड्यूस हो रहा है 2, अब यहाँ पे और भी रिड्यूस होगा तो माइनस 150 आएगा, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो आएगा कि नहीं आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये सोल्यूशन है कि यार जो n होता है ना हमारा, मतलब अगर ये आता तो n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब कोई ना कोई सी टर्म ये होगी। ठीक है, तो हमें कुल मिला के n फाइंड करना है इसमें, और n जो है, जो टर्म्स है वो होल नंबर होती है, जैसे 1 है, 5 है, 10 है, मतलब n का मतलब टर्म्स, और टर्म्स क्या होगी, 5, 4, 10, 20 कुछ तो टर्म्स होगी, 10.5 तो टर्म्स हो नहीं सकती, या फिर 11.5 होगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको चेक करने के लिए बोला जाए तो उसमें आप क्या करोगे, आप एन की वैल्यू फाइंड करोगे, अगर एन आपका पूरा आ रहा है, ठीक है, होल पूरा इंटीजर आ रहा है तो हम क्या बोलोगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज अ टर्म, अदरवाइज नो। सो लेट्स चेक, तो इज दिस अ टर्म, तो ये आपका हो गया ए एन, पहली बात तो माइनस 150। ठीक है, क्योंकि ये कोई एंथ टर्म है हमें नहीं पता, हमें एन फाइंड करना है। ए क्या हो गया 11 और डी क्या हो गया 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 तो कितना हो गया माइनस का 8, 9, 10, 11, 3।
ठीक है यहां तक ठीक है। अब देख चेक करते हैं ए एन फॉर्मूला लिख रखा है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 20 जो भी गिवन है लिख देते हैं माइनस 115 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दिए ठीक है। माइनस 150 माइनस 11 डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन देखो मैंने सीधा कर दिया ठीक है। आपको क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना है माइनस 150 है ये 11 यहाँ आके क्या हो गया माइनस का 11 हो गया ठीक है। अब ये जो माइनस का 3 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा हो गया और यहाँ पे सिर्फ n माइनस 1 बचेगा तो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ठीक है। आप उसको सॉल्व करोगे ना तीन चार स्टेप में होगा ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ तो ये कितना हो गया माइनस 161 अपॉन माइनस का 3 माइनस माइनस का आंसर प्लस 1 अपनी जगह पे है। इसका एलसीएम लेंगे तो 161 प्लस 3 बाई 3 और ये आपका आगे हो जाएगा 164 बाई 3 तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है 3 से ठीक है। ये आपका आएगा 6 5 15 1 6 3 5 15 1 3 4 12 13 14 2 3 6 54.6 ये 50.6 आपके n की वैल्यू आई है। ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं है क्योंकि n क्या हो सकता है ये तो 56 ही होगा ये 58 होगा ये 59 होगा कुछ तो वैल्यू होगी पूरी तो ये पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब दिस इज नॉट अ टर्म मतलब ये 150 इसमें कहीं भी नहीं आएगा। अगर आता तो हमारे हमको पता होता कि भाई n की वैल्यू क्या है ठीक है। तो n की वैल्यू अगर पॉइंट्स में है दिस इज नॉट अ टर्म। ऐसे आपके और भी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n-8 ठीक है। ये आपके बुक में क्वेश्चन है आप राजस्थान बोर्ड के हो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो कोई से भी बोर्ड के हो ये क्वेश्चन आपके दोनों के बुक में ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं रीड कर रही हूँ इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन ठीक है। आपको गिवन है थर्ड टर्म है आपकी ए थ्री थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ ए थ्री तो हुआ थर्ड टर्म ठीक है एंड नाइन्थ टर्म मतलब ए नाइन ठीक है। थर्ड टर्म मतलब ए थ्री नाइन्थ टर्म मतलब ए नाइन थर्ड टर्म कितनी गिवन है आपकी 4 और नाइन्थ टर्म आपकी गिवन है माइनस 8 ठीक है। तो आपसे पूछा है कि विच टर्म विल बी जीरो मतलब कोई सी टर्म होगी वो जीरो होगी विच टर्म विल बी जीरो ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम जो क्वेश्चन में गिवन है बस उसी को आप चेंज कर जाओ कुछ इसमें और करना नहीं है। देखो ए थ्री आपका क्या है ये और ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d तो ए थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1d क्या हो जाएगा ए थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1d तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस 2d ठीक है। और ए थ्री की वैल्यू कितनी गिवन है और ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1। देखो कैसे वापस बता देती हूँ ए थ्री मतलब थर्ड टर्म गिवन है तो यार nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है और थर्ड टर्म का मतलब एन की जगह 3 तो पुट करना है तो हमने पुट कर दिया और ए थ्री हमारे पास कितना आया था 4 गिवन है इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 4 है तो हमने इसकी जगह 4 लिख दिया। नेक्स्ट करते हैं ए नाइन माइनस 8 है तो यार माइनस 8 तो ए नाइन है ही और ए नाइन को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे ए प्लस 9 माइनस 1 d तो माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 d ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी ठीक है। कैसे हुई एक बार वापस आपको बता देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया इनके सिर्फ ए एन बता भी देख लो ना ठीक है ए थ्री वैसे होगा। देखो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको क्या दे रखा है एन की जगह ए नाइन दे रखा है ठीक है। अगर मैं 9 लिखू यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 9 माइनस 1 d हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है। तो a प्लस क्या हो जाएगा 8 d और a 9 क्वेश्चन में कितना गिवन है a 9 इज माइनस 8 तो मैंने a 9 की जगह क्या लिख दिया माइनस 8 तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने क्वेश्चन में गिवन था बस उतना ही किया। अब आगे देखो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए एक तो ये एक ही है ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू a की और d की वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है। तो यार देखो करते हैं 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d और आपकी माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। अब यार देख लो ध्यान से क्योंकि ना ये हमने किया था पॉलीनोमियल वाले क्वेश्चन में
एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है, कोई भी एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देते, तो दोनों में ए इक्वल है, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आया 12 इज इक्वल टू माइनस 6 डी, तो यहां से डी कितना जाएगा माइनस 2, और डी की वैल्यू अगर आप पुट करते हो यहां पे माइनस 2, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 8, ठीक है, ए आपके पास आ जाएगा 8, डी भी आ गया, ए भी आ गया। अब इसने पूछा है कि विच टर्म विल बी जीरो, तो हमने अभी क्वेश्चन किया था कि विच टर्म विल बी माइनस 150 और ये कौन सा टर्म होगी, तो सेम बस वैसे ही करना है, मतलब हमने सपोज के लिए कि nth टर्म है, ठीक है, तो यार फॉर्मूला वापस यही आएगा आपका, देखो यार पूरे एक्सरसाइज में ना यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, कहीं कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो यार विच टर्म विल बी जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, कभी जीरो होगा, तो हमें n फाइंड करना, मतलब n अगर यहाँ पे क्या होगा, जो टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमको जीरो गिवन है, जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारे पास क्या आया a प्लस n माइनस 1 और d क्या आया माइनस 2, ये वापस से बता रही हूँ, क्वेश्चन में पूछा है कि विच टर्म इज जीरो, ठीक है, तो nth टर्म इज जीरो, सब बूस कर लिया, अब यार nth टर्म ये जीरो है, तो ये a n ही तो है हमारा, हमें नहीं पता, ठीक है, कोई सी भी टर्म जीरो है, हमने जीरो इक्वल्स पुट करी, a प्लस n माइनस 1 d, a हमने अभी कैलकुलेट किया यहां से, d हमने अभी कैलकुलेट किया, रख दी वैल्यू, ये इधर आके 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 2 इधर क्या डिवाइड हो जाएगा इससे, ये कैंसिल ही हो गया 4, ये n माइनस 1, तो n क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये 1 के रखे कट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिफ्थ टर्म इज जीरो, तो ये यार आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं आपके, कि भाई थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म गिवन है या एथ टर्म और ट्वेल्थ टर्म गिवन है, ठीक है, डेटा भले ही अलग अलग हो लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे, गिवन है आपको और बोल दिया आपको भाई फाइंड ए या डी, या तो क्वेश्चन इतना ही हो गया, ठीक है, वन मार्क का जो भी खत्म हो गया, या फिर आपसे ये पूछ लिए कि भाई ए फोर्थ थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द, अच्छा इसमें तो जीरो आपको गिवन होता है, अगर ऐसे पूछने की विच टर्म विल बी 100 और विच टर्म विल बी माइनस 10, ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी टर्म आएगी, तो यार विच टर्म, तो nth टर्म मतलब उसमें भी हमें n ही फाइंड करना है, ठीक है, इसमें जीरो लिख रखा था तो हमने कुछ जीरो पुट कर दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस 150 था तो हमने माइनस 150 पुट कर दिया, ठीक है, विच टर्म ध्यान रखना इसमें विच टर्म, तो मतलब nth मतलब फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, और अब ये बोल दे कि यार ये सीरीज लिख के दिखाओ, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए क्या है 8, डिफरेंस कितना है माइनस 2, तो यार अभी तो बताया था सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 6, फिर ये क्या हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी आपकी 2, फिर हो जाएगी 0, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म आ गई ना 0, ठीक है, और ये कैसे हुआ, कॉमन डिफरेंस था मैंने ऐड करते थे इसमें, अब यार 8 में आप माइनस 2 ऐड करोगे तो यार 6 ही तो आएगा, ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज से, क्वेश्चन आपका ऐसे बुक में गिवन है, आप चेक कर सकते हो कि द 17th टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी एक्सिड 7 मोर, एक्सिड 7 बाइट्स 10th टर्म, ठीक है, जो दे रखा है बस पहले वो लिख लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, 17th टर्म को क्या लिखेंगे ए 17th, ठीक है, और एक्सिड मतलब ज्यादा होती है, ठीक है, 7 किससे, इसके 10th टर्म से, मतलब ए 10, ठीक है, क्वेश्चन आपको बस ये गिवन है कि जो 17th टर्म है आपकी दैट इज 7 मोर या एक्सिड 7 बाय इट्स 10th टर्म, तो ए 10 आपको फाइंड करना है, चलो सीरीज ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फाइंड द सीरीज, इसमें ए डी एन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं क्या, देखो ए 17 ए एन को कैसे लिखते थे यार, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए 17 क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 डी लिख लेते हैं, इसमें तो कोई गलत नहीं है क्योंकि ए 17 बोला था, ठीक है, तो ए 17 मतलब एन की जगह कितना आएगा 17, तो यहाँ पे लिख दो ए प्लस 17 माइनस 1 डी इक्वल टू 7 प्लस ए 10 के लिखोगे ए प्लस 10 माइनस 1 डी, क्योंकि एन 10 है यहाँ पे, एन 10 ए प्लस 10 माइनस 1 डी, चलो ठीक है, ए प्लस ये हो गया 16 डी इक्वल टू 7 प्लस ए प्लस 9 डी, ये ए से ये ए कैंसिल क्योंकि माइनस हो गया, इधर आएगा ये 16 और 9 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 16
16 डी माइनस 9d और इस तरफ बचेगा आपका सिर्फ 7d इज इक्वल टू 7 और आपका d आ जाएगा 1 7 अपॉन 7 1 ठीक है। अब आपके पास d आ गया 1 की क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में है जिसमें आपको सिंपल से ऐसा पूछा जाएगा कि भाई जो 3 डिजिट सीरीज आपको गिवन होगी ठीक है 3 डिजिट नंबर इसमें से 7 के मल्टीपल कितने होंगे या फिर आपको कोई भी जैसे रेंज दे दी सपोज 10 टू दे दी आपको 80 और बोल दिया भाई इस रेंज में 4 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं ठीक है या फिर ऐसे क्वेश्चन है मतलब 4 से डिविजिबल या 5 से मल्टीपल ऐसे क्वेश्चन तो इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन जो आपको बता रही हूँ क्वेश्चन ये है कि 3 डिजिट नंबर जो आपके हैं ठीक है उसमें 7 से डिविजिबल आपके कितने हैं मतलब 7 के मल्टीपल्स जो नंबर वो आपके कितने हैं। तो देखो यार 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है 100 से और लास्ट डिजिट कहां तक जाएगी 999 लेकिन आपको फाइंड क्या करना है 7 का मल्टीपल आपको फाइंड करना है ठीक है 7 का मल्टीपल कह दो या फिर जो नंबर 7 से डिवाइड हो वो एक ही बात करो ठीक है मल्टीपल डिवाइड होगा। अब हमें फाइंड करना है 7 का मल्टीपल या फिर 7 से डिविजिबल ठीक है तो 100 तो होगा नहीं ठीक है 101 नहीं 2 3 4 105 आपका होगा सबसे पहले 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा देख लो 105 अपॉन 7 7 1 7 3 7 5 35 50 तो ये सबसे पहला नंबर है जो डिवाइड होगा आपका 7 से उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा इसमें प्लस 7 और ऐड कर दो 112 ठीक है और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 119 ठीक है डॉट 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 एक सीरीज बन गई। अब लास्ट नंबर है 999 तो ये 999 तो 7 से डिविजिबल है नहीं तो 9987 आपको जाएगा 994 बट डिवाइड करते हैं 994 डिवाइड बाय 7 7 7 892 28 हाँ ठीक है 994 आपका नंबर है वो 7 से डिविजिबल है आपका 3 डिजिट का लास्ट नंबर ठीक है समझ में आया ये वापस बता देती हूँ आपको बोला था कि 3 डिजिट नंबर्स की जो आपकी सीरीज है उसमें 7 से डिविजिबल नंबर आपको कितने हैं ये पता करना है मतलब टोटल 7 से डिविजिबल कितने नंबर एन आपको फाइंड करना है तो उसके लिए हमने सीरीज बनाई सबसे पहले 100 तो है नहीं 101 भी नहीं है 2 3 4 भी नहीं 105 आपका पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से क्या होगा डिवाइड होगा फिर अगला कैसे होगा 7 ऐड कर दो इसमें 7 ऐड कर दो आ जाएगा अगला अब लास्ट आपका 999 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो इससे पहला कौन सा है आप चेक करोगे तो 994 आपका ऐसा नंबर है जो कि लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है ठीक है। तो यार आप इसको फाइंड कर सकते हो आपके पास ए आ गया 105 आपके पास डी आ गया 7 ठीक है लास्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और आपको एन फाइंड करना है मतलब टोटल कितने नंबर है तो क्या हो जाएगा फॉर्म अब एन फाइंड करना तो अब इसमें देखो ए है हमारे पास डी भी है हमारे पास एन हमको फाइंड करना है और ए एन ये इसको लास्ट भी बोल सकते हैं ये कितना है हमारे पास 994 देखो हमको ये तो पता है कि एंथ टर्म है ठीक है मतलब ये इसकी लास्ट की टर्म है एंथ टर्म है बट ये कितने नंबर की टर्म है हमको ये नहीं पता वो कब पता लगेगा जब हमें पता लग जैसे ये दो नंबर की टर्म ये थर्ड एन थ्री एन फोर एन फाइव ये कितने में पता नहीं तो ए एन इसको अज्यूम कर लिया ठीक है। अब देखो यार सॉल्व कर लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ए एन या फिर लास्ट टर्म कितनी है 994 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितनी है 105 प्लस एन माइनस वन और डी आपका 7 एन फाइंड करें टोटल कितने इसमें टर्म्स है तो इसको माइनस करोगे 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस वन और ये 7 भी इसके डिवाइड में आ जाएगा आपके आप इसको पूरी टर्म को सॉल्व इसको माइनस करके सॉल्व करोगे तो एन आपके पास कितना आएगा ठीक है आप इसको सॉल्व कर लेना एन आपके पास आएगा 128 तो इसका मतलब 3 डिजिट जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो टोटल नंबर है 128। अब ये क्वेश्चन आप कैसे भी आ सकते हैं कि भाई 3 डिजिट में 4 से डिविजिबल नंबर तो यार देखो सबसे पहला तो 4 से डिविजिबल तो आपका 100 ही हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 100 और लास्ट टर्म ये होगा नहीं ठीक है लेकिन 998 देख लो या फिर 7 भी नहीं होगा ठीक है या फिर 6 होगा आप चेक करो लास्ट नंबर कौन सा होगा तो वापस आपके पास वो सीरीज बन जाएगी आप फिर से एन पता कर सकते हो ठीक है।
फोर से डिविजिबल, थ्री से डिविजिबल, टू का मल्टीपल, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यार ये इस एक्सरसाइज में आपके इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।